मेरी न्यू ईयर का पैकेज कहीं से सस्ता नहीं हो रहा था, पर अनबॉक्सिंग वालों ने मजा करवा दिया। गैग्स भैया और यश भाभी ने अल्टीमेट पैकेज बुक किया, सब अपने फोन से। चलो जी, डे 2। आज जा रहे हैं मैक्लोडगंज। किसी को कोई सुर्त नहीं है यहाँ पे। मैक्लो का सारे को सबके होश उड़े पड़े हैं। अंग्रेजों के गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी? आज हम गोपुर आ गया ऊपर यार। एडवेंचर करेंगे हम। देखो भाभी, अपनी तो है 4x4, उनकी है 2x4। अपनी तो निकलने की टेंशन नहीं है कोई, और यहाँ पर नाड़ा भी नहीं है बांधने के लिए। ये मैक्लोडगंज चल जाएगी यहाँ से। देखा आप जिथों लेफ्ट को इसी वो इसी रास्ता। तो यहाँ से रास्ता नहीं आएगा, उधर से भी तो जाम ही है। क्या करें फिर हम? क्या करें? मैक्लो के लिए बहुत जाम लगेगा आपको। उधर से ज्यादा लगेगा, वो तो यहाँ पे जो कट्टा ना ऊपर, इधर से तो 1 घंटा लग जाएगा, 1-1.5 घंटा। थल्ले में ऊपर से ऊपर क्या? ऊपर नड्डी। हम नड्डी से आए हैं। नड्डी से आए हैं। नड्डी के ऊपर है कुछ टाइम लग जाएगा। नड्डी के ऊपर है कुछ? नड्डी के ऊपर तो कुछ नहीं। जब किस्मत हो फुद्दू, क्या करेगा बॉर्मिटा वाला दुद्दू? वापस चलो, कोई फायदा नहीं। ट्रैफिक में फंस गए। सीरियसली कह रहे, वापस चल लो। कि फिर खाइए जाके की खाइए भाई, खा का बात हो गया। नहीं फंसेंगे, फिर वापस नहीं आ सकेंगे, फिर हमारे उधर देखो जी, इस तरह से हम फंसे हैं। रास्ता बहुत सुंदर है, पर सबने हमें यही बोला कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। 2 रास्ते हैं मैक्लोडगंज के, दोनों रास्तों में ट्रैफिक है, ब्लॉक हुआ है पूरा। तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम होटल वापस चलते हैं, होटल जाके पार्टी करते हैं। और ये हमने यहीं से अभी नीचे ले जानी है, हमने यहाँ से ही। आजो भैया, आगे आ जाओ। 1 मिनट भैया, एक मिनट जाओ प्लीज। मैक्लोडगंज के लिए निकले थे और ट्रैफिक इतना ज़्यादा कि रास्ते में से हमें यू टर्न लेना पड़ गया। ये पूरा जाम लगा हुआ है और कह रहे हैं 1 घंटे का जाम लगा हुआ अभी। ये तो श्रेय भाई की हिम्मत है जो ड्राइव कर रहे हैं अभी। वापस मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाके ट्रैफिक में फंसने की बजाय बंदे के पास ऑप्शन है, बंदा जाके एंजॉय कर सकता है। ऐसे बात तो सही, क्योंकि वहाँ पे ना एक तो रश बहुत होगा, किसी कैफे में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, कैफेज में भी नहीं जगह मिलेगी। किसी के टाइम पे भी गाड़ी होने वाली। सही बात है, वापसी में भी बहुत लेट हो जाएगी और जो हमने वहाँ पे इंजॉय करना हमारा वो भी रह जाएगा। वी हैव टाइम। 10 ले लिए, 10 ठीक है। कितने हो गए? के बुद्धू घर को आए। बहुत अच्छा ट्रिप था हमारा ये, मजा आ गया, स्वाद आ गया। पिछले 1.5 घंटे से सड़कों पे घूम रहे हैं, यू टर्न मार रहे हैं। उसका भी अपना मजा है। बिल्कुल। आज हमने पानी की पेटी एक और खरीदी, कोल्ड ड्रिंक खरीदी और क्रैनबेरी जूस लिया हमने, मैगी भी ली और मैगियाँ भी लिए। हाँ, 10 पैकेट मैगी के लिए। जिसने मैगी खानी है बता देना। ये श्रेय भाई का हुक्म था। ये रीजी हमारी प्रॉपर्टी। आज होटल वाले भी हमारे पे हंसेंगे। लास्ट में प्रॉपर्टी में आ चुके हैं। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा था और वोरे ने कहा था पहली बात ही कि भाई अगर मैं जाऊंगा तो मेरी रात अच्छी नहीं जाएगी, और रात जाएगी अब अच्छी। मैंने मतलब काली जुबान डाली है। खाना नहीं है ला ला ला। रात के 2 बज चुके हैं और सारे जने यहाँ बैठे हुए हैं। फ्रेश लग रहे हैं। सही बात। 2 बजे भी पूरी एनर्जी में। और एनर्जी देख रहे हो, BNI की एनर्जी देख लो। रात के 2 बजे भी कैसे पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे सारे। मेरी न्यू ईयर का पैकेज कहीं से सस्ता नहीं हो रहा था, पर अनबॉक्सिंग वालों ने मजा करवा दिया। मजा। ये पाजी की प्रमोशन कैसी थी? पहले मैं बहुत मोटा होता था। गैग्स भैया और यश भाभी ने अल्टीमेट पैकेज बुक किया। सब अपने फोन से MMT डिलीट कर दो और अनबॉक्स मी वालों को कॉन्टेक्ट करो। भाई अकाउंट नंबर भेज देना, मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। अनबॉक्स वालों के पास अच्छे पैकेज के साथ चार्मिंग फेसेस भी हैं, इससे ज्यादा एनर्जी मिलती है। भले। तो गाइस मिस्टर कमल कोहली जी है हमारे बड़े भाई, इनकी वजह से हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। साथ में जो सर के राइट हैंड है, मैं कहूँगा मिस्टर रोहित राज, मिस्टर राजवीर, विजनरी मैन जो है वो मिस्टर कमल जी है। आप ही हैं, इनकी वजह से हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हुए हैं, लेकिन आप सबकी वजह से ये है। So nice. Great, नहीं सर, amazing food, सर प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग है। विजन जो है आपका है सर, जो फूड है ना कमाल, अमेजिंग फूड, मजा आ गया, अमेजिंग। अभी तक ऐसा गार्लिक नान, चिली चिकन, अजवाइन मच्छी नहीं खाया कभी लाइफ में, नहीं खाया। बेस्ट वेस्टर्न प्लस रिवांता में जरूर आओ, बुकिंग कराओ यहाँ पे। अनबॉक्स मी वर्ल्ड हॉलीडेज का बेस्ट पैकेज। तो आज हम निकल रहे हैं नड्डी से वापस। ये सारी गड़ियां हमारी लाइन में लग चुकी हुई हैं। अरे बहुत अच्छा रहा हमारा, बहुत अच्छा मौसम, और आज जाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा हमारा। और आज बारिश भी हो रही है और टेम्परेचर मेरे ख्याल से 2 डिग्री होगा अभी। ओके, बाय बाय। अब हम मिलेंगे मैगी के पॉइंट पे। हमें अब मिली मैगी की जगह। कब से ढूंढ रहे थे मैगी, मिल नहीं रही थी कहीं पे भी रास्ते में। कौन सी जगह ये? कांगड़ा क्रॉस करके हम मैगी खा रहे हैं। कैसी है? अमेजिंग है। भैया मैगी की तैयारी ना और रखना अभी है। वेज वाली, नॉन वेज वाली भी है, नॉन वेज वाली, एग वाली भी है, वेज वाली, नॉन वेज वाली भी है, नॉन वेज वाली, एग वाली भी है। एक चीज देखनी रहेगी थी आज, बस वो भी देख लो। अरे छोड़ दे। इंडिकेटर चलते चलते गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही उसकी। स्टार्ट हुई गड्डी, हो गई नहीं मैगी हल तक।